दोस्तों, आज मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 31 अगस्त को मेरे और मेरे परिवार के साथ एक घटना हुई जिसमें फोन पे और ओलेक्स के थ्रू मेरे 80,000 रुपये चले गए। मैं आपको ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं हर एक चीज़ आपको क्लियर करके बताऊंगा कि कैसे मेरे पैसे गए हैं। मैंने ओलेक्स पे कूलर का ऐड डाला था जिसमें एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि आप अपना नंबर शेयर कीजिए, मैं कूलर लेना चाहता हूँ। उसका नाम राजीव शर्मा था। मैंने उसको अपना नंबर दिया, उसने मुझे कॉल किया। वो बोला, मैं लखनऊ के महानगर से बोल रहा हूँ, एक कपड़े का व्यापारी हूँ। तो मैंने बोला, ठीक है, आप आइए और कूलर देख लीजिए। उसने बोला कि ठीक है, मेरे दो स्टाफ जा रहे हैं गाड़ी लेके, वो आपका कूलर ले लेंगे। तो मैंने उनको बोला, ठीक है, और पेमेंट आप कैसे करेंगे? तो उसने बताया कि मैं कैश तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं लखनऊ से बाहर हूँ, आप अपना फ़ोन पे या गूगल पे का अकाउंट बताइए, उस पे हम पैसा आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैं फ़ोन पे गूगल पे यूज़ नहीं करता हूँ फ्रेंड्स। मैंने अपने वाइफ का नंबर, मोबाइल नंबर उसको बताया फ़ोन पे का। उसने मुझे बोला, ठीक है, मेरे स्टाफ आपके घर के नीचे आ गए हैं, मैं आपको 10 रुपये पहले भेज के चेक कर लेता हूँ कि आपके अकाउंट में पैसा जा रहा है कि नहीं। मेरी वाइफ ने, जब उसने 10 रुपये भेजा और उसने मेरी वाइफ को कॉल किया, मेरी वाइफ ने उसको चेक करके बताया कि हाँ, हमारे अकाउंट में 10 रुपये आ गए हैं। तो उसने मेरी वाइफ को बोला कि एक बेल आइकन है आपके होम स्क्रीन पे, आप उसको क्लिक कीजिए। मेरी वाइफ ने वो बेल आइकन को क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद उसने बोला, आप अपना अकाउंट चेक कर लीजिए, पैसे 10 रुपये आए हैं या नहीं। जब हमने 10 रुपये चेक किया अकाउंट में, तो 10 रुपये तो आ गए थे, बट उसके जस्ट विद इन 5 to 10 seconds हमारे अकाउंट से पैसे डेबिटेड होने लगे। 20,000, 30,000, 10,000, टोटल 80,000 5 मिनट्स के अंदर डेबिट हो गए हमारे अकाउंट से। मैंने उसको बोला कि आप हमारे अकाउंट से पैसे कैसे चले गए? उसने बताया कि आपके पैसे आ जाएंगे, ये गलती से आपके पास से डेबिट हो गए हैं। बट मेरी वाइफ रोने लगी और वो दौड़ के अपने SBI ब्रांच में गई। मीन्स ये घटने के 15 to 20 minutes के अंदर हम SBI में रिपोर्ट कर दिए जाके। जब SBI में रिपोर्ट किए तो डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर ने ये बताया कि अब आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। मीन्स आप देखिए भाइयों, 15 मिनट के अंदर अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो ब्रांच मैनेजर आपको ऐसा बोलते हैं कि आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि ICICI के आपके किसी खाता बुक में अकाउंट नंबर है, उसमें पैसा गया है। मेरी वाइफ तुरंत ICICI में गई। ICICI से भी हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिला। मीन्स आपका अगर पैसा चला गया तो आपको ना फोन पे सपोर्ट करेगा, ना OLX सपोर्ट करेगा, ना बैंक कर्मचारी सपोर्ट करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमने फिर कंप्लेन किया पुलिस में, FIR दर्ज कराई, और FIR की कॉपी मैं इस वीडियो के नीचे शेयर करूंगा। मैं बस यही बोलना चाहता हूं भाइयों कि आप लोग फोन पे गूगल पे अब बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और एक खास बात, बैंक ने मुझे ये बताया था कि आपका पैसा UPI के थ्रू गया है, हम UPI को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, और अगर UPI से पैसा जाता है तो इसमें बैंक की कोई जिम्मेवारी नहीं है। मीन्स फ्रेंड्स, अगर आप UPI चला रहे हैं तो इसको तुरंत डिसेबल करवाएं और बिल्कुल भी फ़ोन पे और गूगल पे यूज़ ना करें। अगर आप यूज़ करेंगे तो आज जो मेरे साथ हुआ है वो कल आपके साथ हो जाएगा। और एक खास बात, लास्ट में जब उस बंदे ने फ़ोन कट किया, कट करने से पहले मुझे बोला था कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और हम तो ऐसे डेली 10 लोगों को फूल बना रहे हैं और 1-1 लाख, किसी के 1.5 लाख रुपए लूटते हैं हम। हमारे 80,000 चले गए इस कोरोना काल में। बहुत मुश्किल से मेरे वाइफ ने कमाया था और आप समझ सकते हैं अभी कोरोना में कैसा हाल है देश में, और इस टाइम पे 80,000 जाना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। फ्रेंड्स, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप अपनों को और अपने परिवार को बचाइए इस फ्रॉड से, क्योंकि अगर आपका पैसा चला गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हम, मेरी वाइफ तो बहुत रोई 2 दिन, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और 80,000 रुपये हमारे लिए बहुत बड़ा रकम है जिसको मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमारा हेल्प कीजिए, और मैं ट्विटर पर ये वीडियो डालूँगा, और कृपया करके आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, तो शायद हमारे इस मुहिम से कोई और भी बच पाए। और मैं चाहता हूँ कि भाई लोग बचें। थैंक यू।